हेलो गाइस, गार्डनिंग इज माय पैशन चंगुन में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हो ये अपराजिता की बेल है। अपराजिता की बेल बड़ी ही शुभ और सुंदर होती है। इसको बहुत शुभ माना जाता है। इसका फूल बहुत पूजा में चढ़ाने के काम में आता है। आज हम बात कर रहे हैं इसको कहाँ और कैसे लगाना है। तो इसको लगाने की ज़मीन में भी लाया जा सकता है और गमले में भी लाया जाता है। ये बेल होती है, इसको किसी के सहारे चढ़ाना होता है, या कोई सहारा हो, या लकड़ी हो, या कोई एंगल हो, या किसी का जो बनाया हो उस पर इसको बड़ी आसानी से चढ़ाया जाता है और ये बहुत अच्छे अच्छे फूल देती है। ये सबसे ज़्यादा फूल बरसात में है और गर्मी पड़ती है उस समय में ही ये फूल देती है, और जितनी ज़्यादा सर्दी आने लगती है फिर ये फूल नहीं देती है। ये बिल्कुल मर सी जाती है, झुलस जाती है, और जो इसमें फली आती हैं उसका बीज वहीं पर गिर जाता है। फिर से गर्मी शुरू होती है, दोबारा इसके पौधे निकले आते हैं या वही वाली बेल फिर से हरी भरी हो जाती है। अगर गमले में भी आप लगाना चाहते हो तो गमले में भी लगा सकते हो, बड़ी आसानी से लग जाती है। और ये जहाँ भी आप लगाओगे, ये खुली धूप की बेल है, इसको खुली धूप में ही लगाया जाता है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतने ही ये अच्छे फूल देती रहेगी। अगर गमले में लगाना चाहते हो तो गमला 12 इंची से बड़ा होना चाहिए, और गमले में मिट्टी बहुत अच्छी बना के उसको लगाएं। मिट्टी में रेता भी मिलाएं और बर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो चाहो तो, और मिट्टी भी मिला सकते हो। मिला करके इसे अच्छे से लगाएं। गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी मिट्टी में इसको लगा कर रखें। थोड़ी कमज़ोर हो रही है तो उसमें DAP थोड़ा डाल दें, जिससे बहुत हेल्दी हो जाएगी और सुंदर आ जाएगी। और आप देखोगे धीरे धीरे बहुत ग्रो हो जाएगी, और जैसे जैसे अच्छी बढ़ती जाएगी बहुत सुंदर सुंदर ये फूल देती जाएगी, और सुंदर सुंदर फूलों से ये भर जाएगी। वैसे भी इसका कलर एकदम हरा रहता है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो जहाँ भी आप लगाओ इसको खुली धूप में लगाएं, यहाँ पर छाया ना हो, अच्छी धूप हो, वहाँ पर ये फूल बहुत ही सुंदर और अच्छे देती है।